सपत साहब, जब आप अमेरिका में हैं तो क्या राहुल गांधी को शोभा देता है कि भारत या सरकार की आलोचना करें? वो आप एक मामूली सांसद नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनके कहे हुए हर शब्द का अर्थ निकाला जाता है कि भारत में इस वक्त ठीक नहीं है, तो वहां पर तो वो कम से कम बच सकते थे कि भारत सरकार की आलोचना करने से। आशुतोष जी, दो अलग अलग बातें। एक, वो भारत के लोगों से अमेरिका में मिल रहे थे। आप जानते हैं कि आरएसएस के पूरी दुनिया में चैप्टर्स हैं, पूरी दुनिया में आरएसएस के लोग होते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं। क्या उन प्रोग्रामों को वो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब भी करते थे? तब भी उनकी वहां मीटिंग्स होती थी? खुद नरेंद्र मोदी कई साल तक अमेरिका के अंदर रहे आरएसएस का प्रचारक बनके, उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, तो क्या वो कांग्रेस की सरकार की आलोचना नहीं करते थे? क्या आरएसएस के तमाम चैप्टर कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सरकारों की आलोचना नहीं करते थे? कांग्रेस की आलोचना या बीजेपी की सरकार की आलोचना या आरएसएस की आलोचना, वो देश की आलोचना नहीं है। अगर अगर दुनिया के अंदर आप अपने लोग, भारत का डायस्पोरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है, उनके बीच में जब जाके नरेंद्र मोदी ये बात कह सकते हैं कि 14 के पहले इस देश में जन्म लेना शर्म की बात मानी जाती थी, तो क्या ये तारीफ होती थी? जब वो जापान में जाके ये बात कहते थे कि किसी घर में शादी है और लोग रो रहे हैं नोटबंदी के बाद और ताली मारते हैं, तो क्या देश की वो बड़ी शान बढ़ा रहे थे? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नरेंद्र मोदी के भी कि बीइंग प्रधानमंत्री जाकर वो दूसरे देशों में भारत की बुराई करते रहे हैं। हमने तो भारत की बुराई भी नहीं की। राहुल गांधी ने तो आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की सरकार की आलोचना की है, पर मोदी जी तो भारत की आलोचना की है कि 14 के पहले भारत में जन्म लेना शर्म की बात मानी जाती थी, तो उस पर तो कोई कुछ नहीं बोला। सवाल ये है कि आज की दुनिया इतनी इंटीग्रेटेड है, भारत इतना बड़ा मुल्क है, हमारे लोग पूरी दुनिया में है, और उन्हीं लोगों में आरएसएस के लोग सक्रिय हैं, वो पॉलिटिकल अपना प्रोपेगेंडा भी करते हैं, अपनी बातें भी पहुंचाते हैं और अपनी बातों को भी कहते हैं, तो क्या उसके जवाब में जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो अपनी बात नहीं कहेगा? हम ये कौन सा स्वरूप बना रहे हैं? हम ये साहब, इलहान मोहम्मद से मिलने की क्या जरूरत है जो लगातार भारत के खिलाफ कश्मीर के खिलाफ बातचीत करती रही है, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम में वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती है, भारत के खिलाफ एक तरह के स्टेटमेंट देती है, उनसे मिलने की क्या जरूरत थी? देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आप बहुत लोगों से मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति से जिससे आप मिल रहे होते हैं उससे आपका वैचारिक एक के होता है, ऐसा नहीं होता है। आप उन लोगों से भी मिलते हैं जो लोग आपके विचारों के खिलाफ होते हैं। अभी राहुल जी पिछले दिनों लालकृष्ण अडवाणी जी को मिले थे, मुझे किस्सा बता रहे थे वो। तो क्या वो अडवाणी जी से मिले तो क्या अडवाणी जी की विचारधारा के फेवर में थे वो? सवाल ये होता है कि लोगों से मुलाकात करना पब्लिक लाइफ का हिस्सा होता है। राहुल गांधी ने वो तो नहीं किया जो मोदी जी के अभिन्न मित्र, जो उनके 4-5 लोग थे जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाने में मदद की थी। आपको याद होगा विवेकानंद फाउंडेशन ने सबसे ज्यादा मोदी को पीएम बनाने का पूरा इस देश के अंदर मूवमेंट रचा था, और उसमें एक मेन कैरेक्टर थे वेद प्रताप वैदिक, माने पत्रकार थे, मोदी जी के मित्र थे। वो तो जाके पाकिस्तान में हाफिज सईद का इंटरव्यू करके लाए थे। इनके लोग तो ये सब करते आए हैं। हाफिज सईद का इंटरव्यू वेद प्रताप वैदिक ने किया प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तिगत मित्र, आरएसएस के परिवार से, विवेकानंद फाउंडेशन के सदस्य। राहुल गांधी ये थोड़ी कर रहे हैं, वो तो जाके लोगों से मिल रहे हैं, उसमें अलग अलग मत के लोग मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन लोगों से आपका कोई तारतम्य होता है। ऐसे तो नरेंद्र मोदी आके पाकिस्तान में मिले हैं नवाज शरीफ से, तो क्या वो नवाज शरीफ को हम आप ये माने कि मोदी जी नवाज के समर्थक थे? ऐसे बीजेपी के लोग जाते हैं चाइना के अंदर, जब वो पावर में नहीं थे तो बीजेपी के डेलीगेशन चाइना में जाते थे, एक दर्जन डेलीगेशन गए हैं, और चाइना के पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बीजेपी के लोगों को ट्रेनिंग देती थी। ये बात तो हम सब जानते हैं, ये पूरे नेट पे अगर आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। तो क्या हम ये माने कि बीजेपी चाइना के समर्थक थी या चाइना के फेवर में खड़ी थी? अंतर्राष्ट्रीय जगह पे आप लोगों से मिलते हैं। सफल साहब, जैसे वेद प्रकाश वैदिक तो पत्रकार थे ना, अगर एक पत्रकार अगर जाए तो नहीं नहीं वो पत्रकार नहीं थे, वो विवेकानंद फाउंडेशन के मुख्य व्यक्ति थे जिनका मेन प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का था, और उस समय में पूरे राजनीतिक स्वरूप में सक्रिय थे मोदी जी को पीएम बनाने में। वो पीएम के पर्सनल मित्र माने जाते थे, ये हम सब जानते हैं। वो अलग बात है कि बाद में प्राइम मिनिस्टर ने उनको कुछ दिया नहीं, उससे बड़े दुखी रहते थे, लेकिन
वो पीएम के परिवार के राजनीतिक परिवार के व्यक्ति थे। अब पीएम के राजनीतिक परिवार के व्यक्ति अगर पत्रकार है वो सहयोग हो सकता है, लेकिन इस पीरियड में उनकी मुख्य भूमिका प्राइम मिनिस्टर के साथ की थी और वो गए थे ऑफिस से इंटरव्यू करके आए थे। इंटरव्यू किया था ना, आप भी तो पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकार तो किसी से भी मिल सकता है, किसी से भी इंटरव्यू कर सकता है। सवाल है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो क्या जी आप बीजेपी आज ही बोल दें, जेपी नड्डा अमित शाह नरेंद्र मोदी बोल दें कि हाफिज सईद से वेद प्रताप वैदिक का मिलना ठीक था, मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि इंटरव्यू के लिए गए थे। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो भारत की ओर से वो जाते हैं, जब बात करते हैं तो वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं। आप ये क्यों नहीं मानते कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसमें भारत की अपनी पोजिशन रख रहे हैं, और जब आप पोजिशन रखते हैं तो बहुत सारे लोगों का मत परिवर्तन आप करने में सफल होते हैं। दुनिया में यही तो डिप्लोमेसी है, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी क्या होती है कि आप उन लोगों से भी मिलते हैं जिन लोगों के विचार आपके खिलाफ होते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और आप उन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यही तो सफलता होती है डिप्लोमेसी की। बट सफल आपत्ति करने मतलब इस पे आपत्ति करना मुझे लगता है कि एक बहुत बचकानी राजनीति इस देश के अंदर की जा रही है बीजेपी द्वारा, क्योंकि जी